साइबर सिटी गुरुग्राम में भाजपा सांसद सुखबीर सोनापुरिया बांधवाड़ी गांव पहुंचे, जहां सांसद बेसहारा वे मंद बुद्धि लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें राशन वितरित किया। हालांकि इस दौरान भाजपा सांसद ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को राशन देने के साथ साथ बेसहारा वे मंद बुद्धि लोगों के बीच आकर बेहद अलग महसूस हुआ। देखिए, जिस हिसाब से बंधवाड़ी गांव में ये एनजीओ चल रही है, उनके जो मालिक हैं, जो हेड हैं, वो रवि जी हैं, और जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ करीब 500 लोग यहाँ बेचारे मंद बुद्धि भी हैं, बेसहारा भी हैं, मतलब किसी कुछ बीमारी है। सबसे बड़ी बात तो ये मैं कहूँगा कि इतना बढ़िया काम है ये कि निस्वार्थ सेवा, जितना स्टाफ काम कर रहा है उसको भी मैं बारंबार बधाई देता हूँ कि ये बेचारे कोई तो मुँह से उसके कुछ निकल रहा है, कोई टॉयलेट कर रहा है, कोई लेटरिन कर रहा है, उसके बावजूद भी सब जैसे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, बच्चों की सेवा करते हैं, ऐसे सेवा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नौकरी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, नौकरी कहीं मिल जाती है। ये इनका भी ये सौभाग्य है कि इनको काम करने, और जो भी है कोई अच्छे काम के लिए मैं आके ये दाल चावल आटा आलू प्याज बिस्किट तेल चीनी चावल ये सब। भाजपा सांसद ने यह भी कहा कि आज प्रवासी मजदूरों को टिकट फ्री को लेकर अपने गृह राज्य जाने की अफरा तफरी मची हुई है। ऐसे में सरकार को जो बीच में फंसे प्रवासी मजदूर हैं उन्हें भेजना वाजिब है, जहां काम शुरू हो गया है उन मजदूरों को रोकना चाहिए, उन्हें नहीं भेजना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में मजदूरों की बड़ी दिक्कत होगी और सारे प्रोजेक्ट लटक जाएंगे। वहीं अगर मजदूर नहीं होंगे तो देश की अर्थव्यवस्था और ज़्यादा चरमरा जाएगी। मजदूर क्या है, एक तो ये चल पड़ा देश में कि जिस हिसाब से ये हो रहा है कि भाई टिकट फ्री हैं, और लोगों को क्या लगा कि भाई है। मैं अब ये कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री से भी कि मैं खुद आज बात करूँगा और कलेक्टर साहब से बात करूँगा कि जहाँ काम चल पड़े हैं वहाँ पर प्रवासी में अभी क्या लग रहा है, सबको ऐसा लग रहा है टिकट फ्री है, तो सबको ऐसा लग रहा है भाई भाग लो भाग लो, तो ये भी एक बार थोड़ा करना पड़ेगा। जो मजदूर बीच में फंसे हुए थे ना उनको भेजना तो वाजिब था, लेकिन जो ऑलरेडी काम जहाँ शुरू हो गए वहाँ मजदूर है तो उनको पैसा भी मिल रहा है, काम भी मिल रहा है, तो वो रुकना चाहिए। मैं ये सब कुछ तो हो गया, लेकिन ये जो अफरा तफरी है, इस अफरा तफरी से अगले 2-3 महीने तक पटरी पर लाइन पर गाड़ी नहीं आएगी, क्योंकि लेबर एक बार जाने के बाद में 2-3 महीने से पहले नहीं आ रही। और एक बार के लिए ये है कि जिस हिसाब से मैंने बताया कि जमातियाँ निकले थे तो उस टाइम एकदम हुआ था, उसके बाद में अभी पंजाब में से जो आए थे उन्होंने थोड़ा सा छू गया। एक बार अब जो मजदूर जा रहा है वो भी जो इधर से उधर हो रहा है, तो हो सकता है एक झटका और भी इसमें लगे और बढ़ने का हो। बाकी ये है कि मैं समझना चाहूँगा जहाँ जरूरत है वहीं किया जाए। अभी ज़्यादा मैंने बताया जो अपने जहाँ काम कर रहा था वहाँ से उठ गया मजदूर और जगह पर नहीं पहुँचा, वो बीच में लटक रहा है, मजदूरों का प्लान ना करे सरकार, उसको करा जाए, नहीं तो मजदूरों को ठहराया जाए, मजदूरों को सारी सेवा दी जाए, ताकि मजदूर के बगैर अगर नहीं है तो ये सारे प्रोजेक्ट लटक जाएंगे, सारा अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। अभी तक तो जो भी कुछ है सब ने मेहनत कर लिया, लेकिन मजदूर अभी अपनी जगह रुकना चाहिए। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जिला प्रशासन को ज्यादा से ज्यादा स्क्रीनिंग करानी चाहिए जिससे कि कोरोना महामारी से लोगों को बचाया जा सके। गुड़गांव जैसी जगह पे, क्योंकि जिसमें सबका पूरे विश्व का आदमी रहता है, आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ, जिस हिसाब से आज 40-50 दिन के करीब काम बंद हो गए थे, सबको महसूस हो रहा था, मैं समझता हूँ जहाँ एट दी स्पॉट लेबर वहाँ रह रही है जहाँ काम है। अब सबसे बड़ी बात तो ये कि वो काम 3 दिन चल जाएगा, 4 दिन चल जाएगा, जब तक यातायात नहीं आएगा तब तक वो नहीं चल सकता। इंडस्ट्री अगर खोलेंगे तो इंडस्ट्री की जो एसोसिएट इंडस्ट्री वो नहीं चलेंगी, तो जब तक उनका सामान है तो ये सारा वो। लेकिन चक्कर क्या है कि अगर बिल्कुल एकदम वो कर देते हैं कि सब कुछ जाम ही रहे तो अभी संभव नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ है हम सबको एक बारे में ध्यान करना पड़ेगा, ताकि कोई भी आदमी है, जो भी नया आदमी आता है तो उसे तुरंत चेकअप किया जाए। प्रशासन को स्क्रीनिंग की और थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अभी मैं मध्य प्रदेश बॉर्डर तक गया था, जो जमींदार जा रहे थे जो अपने सारे मजदूर, उन मजदूरों को स्क्रीनिंग देख के आया, वो सब चीज़ चेक करके आया, तो ऐसे ही इनको मतलब प्रशासन को भी और मेडिकल स्टाफ को भी ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीनिंग की जाए, ताकि कहीं हो, क्योंकि अभी लोगों के दिमाग में क्या है भाई कोरोना किसी को भी हो जाए, लेकिन वो चेकअप नहीं हो पा रहा, उनके टेस्टिंग नहीं हो पा रहे, ये है। लेकिन मैं समझता हूँ, हम पहले भी मैंने शुरू दिन में इंटरव्यू दिया था, आज मैं कह रहा हूँ कि हमारे लोगों की इम्यूनिटी में बहुत अंतर है। हमारे लोग धूप में काम करते हैं, पहले हमारे बुजुर्ग करते थे, बोझा ढोते थे, आज वो इम्यूनिटी का हमें फायदा मिल रहा है कि जल्दी से पैर नहीं पसार रहा। खबर तहलका के लिए गुरुग्राम से विजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।